नहीं, हम सबके लिए बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, मतलब अगर शायद हमारी लाइफ में अनडू बटन होता या एक दिन डिलीट कर सकते काश, क्योंकि हम अगर शूटिंग नहीं होती थी तो दीपू और हम कभी जिम में मिल जाते थे, कभी हम यहाँ वॉक करते हुए मिल जाते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिलीव करना ही बहुत मुश्किल है, बस भगवान से बहुत यही बोलूँगी, दिस इज़ सो अनफेयर। उसको ऐसे नहीं जाना चाहिए था, और उसका बच्चा बहुत छोटा है, 1.5 साल का है। ऐसी जो चला जाता है वो तो फिर भी मुक्त हो जाता है सारी दुनियादारी से, बट जो पीछे रह गया अब उनके लिए बहुत मुश्किल है। सो जस्ट दीपू, उनको ब्लेस करना, मैं यही बोलूँगी, अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को ब्लेस करना। एक बहुत बड़ा लॉस तो है यार, ज़िंदगी भर याद आएगा वो, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम दो जिस्म एक जान थे, और बड़ा मुश्किल होगा उसको बुलाना ज़िंदगी भर। जब तक हम शायद जाएंगे तब तक तो पॉसिबल नहीं कि उसको बुला पाएंगे। मैं तो नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा ये चीज़। माता रानी ईश्वर उसको जो है अपने चरणों में स्थान दे, खुश रखे, जैसा वो यहाँ खुश था ना, अपने आप खुश रखता था, वो गाने वाने गाता था, मस्त रहता था, एक्सरसाइज वगैरह करता था, सब चीज़ें करता था। ऐसा ही जहाँ भी रहे वहाँ भी करता रहे, वो खुश रहे, दिमाग में कोई लोड नहीं था उसके। हम जरूर लोड लेते थे उसको, यह तो क्या कर रहा है यार, ऐसा क्यों कर रहा है यार। मैं तो उसको पल पल समझाता था, सब चीज़ें करता, नादानियाँ करता था ना, तो स्वीट था, सबका चाहता था। देखिए, ये तो हम सबके लिए बहुत ही दुखद घटना रही है। भाभी जी घर पर है क्या, लोगों के साथ तो बहुत बड़ा ही सदमा है, क्योंकि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर वो था, और वो जो टीका मलखान टिल्लू की तिकड़ी थी उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सदस्य वो था। उसका जाना एक खालीपन छोड़ गया है। अब कैसे हम उन सीन्स को संभालेंगे जो हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, कैसे क्या होगा, किस तरह से कहानियों में चेंजेस लाए जाएंगे, कैसे हम सेट पे जाकर उन स्थितियों को फेस करेंगे। खासकर टीका जो है, वैभव जो लगातार 7 साल तक उसके साथ रहा, मेकअप रूम एक है, साथ में सो रहे हैं, तो ये एक तरह से बहुत अजीब सी दुखद बात है यार। ये तो अब समय ही धीरे धीरे, स्मृतियां तो नहीं जाएंगी लेकिन धीरे धीरे ही होगा, ये बहुत बड़ा खालीपन है। फिटनेस पे बहुत ध्यान, और हमें खुद गुरु सिखाता था, क्योंकि हम लोग बड़े हैं उससे, उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो हम लोगों को बोला करता था कि देखो सीरियल अभी 8वें साल में गया ना, हाँ अभी 14 साल होना मांगता है, ऐसे बोलता था। तो आप फिट रहिए, पेट निकल रहा है आपका, बार बार पेट पे मारता था मेरे, और अपने पे शर्ट ऐसे उठा के कहता देखो 6 एब्स, ये देखो।